हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पेस थ्योरी टेस्ट ऑफ डेकोर। आज मैं बहुत दिनों के बाद एक अच्छा सा DIY कुछ लेके आई हूँ। और बहुत दिन से वीडियोस ऐसे बोरिंग चल रही थी, तो मुझे लगा चलो एक DIY कुछ शेयर किया जाए आपके साथ, कुछ नया कुछ अलग। बहुत बार ऐसे होता है कि हमारे घर में आसपास में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे हम बोर होके उनको फेंक देते हैं या फिर रिप्लेस कर देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप क्रिएटिव हो तो उसको आप बहुत ही अच्छा सा कुछ और बना के उसको यूज़ कर सकते हैं, अपने इंटीरियर में ऐड कर सकते हैं। तो मेरे घर में काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत ही मैंने डेकोरेट की है, खुद के हाथ से बनाई हुई हैं। खुद के हाथ की चीज़ बनाई हुई रखी, मुझे बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है उसको देख के कि ये मैंने बनाई है। मुझे एक अच्छा सा आइडिया मिला और मैंने उसको यूज़ किया और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मेरे को मिला। तो आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको आइडियाज़ दे सकती हूँ कि आप कौन से क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं, बाकी आपके पैटर्न्स, आपके डिज़ाइंस वो आप पे डिपेंड करता है, अपनी चॉइस के हिसाब से आप बना सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। सो गाइज, एज यू कैन सी, ये कॉफ़ी मग है, मैं इसको फेंकने जा रही थी बट मुझे फाइनली एक आइडिया मिला क्यों ना इसको रीयूज़ किया जाए और एक ब्यूटीफुल सा पीस बनाया जाए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस पर पेंट कर रही हूँ। ये जो पेंट है ये मैंने अमेजोन से ख़रीदा था, इसके लिए मैंने स्पेशल एक रिव्यू वीडियो भी डाला हुआ है। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके चेक कर सकते हैं, उसमें मैंने फुल डिटेल्स के साथ उसके यूजेस पर्पसेस सब कुछ मैंने डिटेल्स में बताया है। सो एज यू कैन सी गाइस, देयर आर सो मेनी पैचेस, इट्स नॉट कमिंग कम्प्लीटली एंड इट्स नॉट गिविंग दैट मच फिनिशिंग एंड कवरेज। उसके लिए भी सॉल्यूशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक कोटिंग करेंगे, देन अगेन विल ट्राई अनदर कोटिंग आफ्टर ड्राई इट आउट। सो इट्स ऑलमोस्ट कम्प्लीटेड नाउ एंड इसको हम सूखने के लिए रख देंगे और सूखने के बाद विल ट्राई अनदर कोटिंग ऑन इट। सो अब ये कम्प्लीटली सूख चुका है बट द पैचेज आर क्लियरली विजिबल। सो दिस टाइम आई एम नॉट गोना यूज ब्रश अगेन, आई थिंक स्पंज इज वे बेटर देन एनी ब्रश। बहुत ही अच्छा टेक्सचर भी दे रहा है मग को, एक नया लुक भी दे रहा है, तो इट्स रियली रियली गुड। एंड आई मस्ट से, मैंने अगर ये पहले यूज़ किया होता ये मेथड तो आई थिंक इससे और बेटर एक कवरेज मिल सकती थी, बट इट्स दैट्स ओके, दैट्स फाइन एंड स्टिल इट्स लुकिंग रियली रियली नाइस। सो वाओ, इट्स लुकिंग रियली अमेजिंग। जस्ट लुक एट द कवरेज एंड द कलर एंड द टेक्सचर गाइज, इट्स लुकिंग अमेजिंग। द स्पंज वर्क वेल। द ओनली थिंग इज़, आपको थोड़ा सा कलर में डिफरेंस लग रहा होगा बिकॉज ये बेबी पिंक में था, अभी टर्न हो गया बिकॉज आई जस्ट चेंज माई कैमरा नॉर्मल टू प्रो, दैट्स वाई इट्स शोइंग। अदरवाइज इट्स द सेम थिंग, सेम कलर एंड सेम टेक्स्चर। सो गाइज, वी आर ऑन द लास्ट स्टेप, लास्ट बट नॉट द लिस्ट। यू कैन, एज यू कैन सी, आई हैव सम लीव्स, आई एम गोना यूज इट एज अ पैटर्न ऑन दैट मग। आई होप इट विल वर्क वेल बिकॉज आई एम गोना यूज इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एंड आई एम कन्फ्यूज विच काइंड ऑफ लीव्स वी नीड फॉर द प्रॉपर टेक्स्चर। आई थिंक द हार्डर एंड द शार्पर वन वी नीड, बट आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड आउट द परफेक्ट वन एंड आई एम गोना चूज सम लीव्स। सो let's see, I hope it will work well. So yeah, so as you can see I have two types of leaves and I am beginner here, literally I have no idea which one will work best. So one leaf is little bit thin and one leaf is little bit harder, so let's try it out. So basically aapko karna kya hai, just choose any color, any shade and dip it in the bottle. I'm using here the chalk paint. So you have to make layer on the leaf. और बहुत ज़्यादा thick भी नहीं बनानी है, बहुत ज़्यादा thin भी नहीं बनानी है, just इसको cover कीजिए अच्छे से and बहुत ज़्यादा thick नहीं, otherwise ये बहुत ज़्यादा leak करेगा in the sides. So right now what you are watching is the most trending thing on internet nowadays. तो आप देख सकते हैं मैंने लीफ को इस पर चिपका दिया है, ऐसे ऐसे हल्का हल्का जस्ट प्रेस करना है, ज़्यादा भी दबाव आपको नहीं डालना है, अदरवाइज आपका पैटर्न जो है वो ख़राब हो सकता है. So now I'm gonna peel it off to check whether it's work or not.
Wow, it looks amazing. Oh my God, just look at the texture. I don't know कैमरे में वो कैप्चर क्यों नहीं हो पा रहा है. बहुत ही प्यारा लग रहा है. आजकल बच्चों के प्रोजेक्ट्स में भी काफ़ी पैटर्न मेकिंग वाला कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है, तो यही मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है. आई थिंक नथिंग वर्क्स बेटर देन दिस. तो यस, इस पूरे मग पे मैं यही यूज़ करने वाली हूँ, सेम पैटर्न. और सेकंड लीफ पे इतना अच्छा मुझे टेक्सचर नहीं लगा. आई थिंक द डिफरेंस इज़ मैंने रीयूज़ किया है सेम लीफ को, दैट्स द रीज़न. तो अगेन आप ट्राई कर सकते हैं मेरी तरह. तो आप देख सकते हैं फर्स्ट वन जो मैंने लगाया था उसका टेक्सचर और पैटर्न काफ़ी अच्छा बना है बाकियों के मुकाबले. बट यू हैव टू चूज़ द परफेक्ट परफेक्ट लीव फॉर द परफेक्ट यू नो टेक्सचर. तो बहुत सारी ऐसी लीव्स है जो कि बहुत ही अच्छा जिसका टेक्सचर मिला है, बट बहुत सारी ऐसी लीव्स भी है बहुत स्पॉइल हो गई है, जो कि उसका रीज़न यही है क्योंकि मैंने दोबारा से बार बार एक ही लीव को रीयूज़ किया था, क्योंकि लीव्स मेरे पास कम पड़ गई थी और जो मैं लीव यूज़ करी वो बहुत ही थिन है. तो वीडियो देखने का फ़ायदा यही है कि आपको डू एंड डज का पता चल जाता है, किस किस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ हैं जो कि आपको नहीं करनी चाहिए और करनी चाहिए. स्टिल बहुत ही सिंपल और प्लेन दिख रहा है, तो आई हैव टू यूज़ अनदर मैथड अगेन. सो यस, सो इट्स कमिंग फार बेटर नाउ. एंड एज यू कैन सी मैंने सारी आउटलाइंस को जो है डार्क कर दिया. पहले मैंने सोचा था कि थोड़ा लाइट लाइट में रखूँगी तो ज़्यादा बेटर लगेगा. सो फॉर मेक इट मोर अट्रैक्टिव आई एम गोना यूज़ दिस ग्लिटर ग्लू, एंड इट हैज़ लिटिल लिटिल स्टार्स इन साइड बिकॉज लिटिल बिट ग्लिटर कैन मेक इट मोर अट्रैक्टिव, सो वाई नॉट. And it's done. Can anybody recognize this is the same coffee mug, the boring one, जिसको मैं फेंकने जा रही थी. इसको मैंने कितना अच्छे से एक आर्ट पीस में कन्वर्ट कर दिया है. मुझे पता समझ नहीं आ रहा है मुझे कौन सा कैमरा लेना चाहिए इसको दिखाने के लिए. मैं बता नहीं सकती रियल में कितना ब्यूटीफुल लग रहा है. तो ये सिर्फ देखने में नहीं बल्कि इसको आप मल्टीपर्पजली यूज़ कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में, एज अ पेन होल्डर, अ ब्रश होल्डर, मेकअप ब्रशेज, पेंटिंग ब्रशेज, अ फ्लावर वेज और एनीथिंग. लाइक आप इसमें प्लांट भी लगा सकते हैं. बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल, मल्टीपर्पजली यूज़ कर सकते हैं आप इसको. और आप किसी भी अपने वेस्ट चीज़ को फेंकने से पहले उसको सोचा कीजिए कि आप इससे क्या बना सकते. अब कोई भी बता नहीं सकता है कि वही कॉफ़ी मग है जिसको आप फेंकने जा रहे थे, या फिर यार मैं खुद से ही तारीफ़ी किए जा रही हूँ. तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये रीमेक आपको कैसा लगा, कैसा नहीं लगा ये मेकओवर जो था कॉफ़ी मग का. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए. थैंक यू सो मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय, टेक केयर.